Hello students welcome to adieu funday i'm your chemistry mentor and today we're going to discuss the topic expression for isothermal work done so firstly we will derive the expression for isothermal irreversible work done now consider an ideal gas in a cylinder which is fitted with weightless and frictionless piston डर विच इज हैेशनिशियल वॉल्यूम वी वन एंड दिसम्परेचर सो जब गैस एक्सपैंड करेगी तब क्या होगा जो हमारे पास पिस्टन है दैट इज फ्रिक्शन लेस जब गैस एक्सपैंड करेगी इट विल पुश द पिस्टन टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बी द फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम सो The displacement that will take place is equal to D, and the work is done against the external pressure that is P external, and the volume that is the final volume will be equal to V2. Now, what will be the work done? Work done is equal to opposing force into displacement. So, we can write it as opposing force minus F. तो यहां पे माइनस क्यों आया बिकॉज यहां पे गैस एक्सपैंड करी है सो इन टू डिसमेंट दैट इज डी सो वर्क डन वी कैन राइट इट एज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन एरिया इन टू डिसमेंट बिकॉज फोर्स क्या होगी एरिया इन प्रेशर दैट इज पी एक्सटर्नल नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप We can write it as minus p external into area into displacement is equal to volume. Or here, volume change is taking place. So we'll write it as V two minus V one because V two is the final volume, V one is the initial volume. So delta V will be equal to V two minus V one. Or simply, we can write it as work done is equal to minus p external delta V. So let's see the sign convention for work whether it be expansion or compression expansion means gas expand career work is done by the system and compression means jo external p external hai, that is greater and that is compressing the gas so let's see what is happening सो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी अभी हमने देखा एक इक्वेशन हमने फाइनड करी एक रिलेशन हमने फाइनड करा फॉर वर्क डन दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन वी टू विल बी ग्रेटर देन वी वन अभी हमने एक्सपेंशन का केस देखा कि जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम बिकॉज एक्सपेंशन वॉज टेकिंग प्लेस सो द डब डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव बिकॉज जो फाइनल है सो डेल्टा वी क्या होता है वी टू माइनस वी वन तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस सो डब्ल्यू विल बी नेगेटिव नाउ लेट सी दर केस दैट इज ड्यूरिंग कंप्रेशन कंप्रेशन में क्या होता है जो इनिशियल वॉल्यूम होती है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम because the gas is compressing so the delta v will be negative in that case and we know that negative negative becomes positive and therefore the value of work done will be in positive so next is expression of work done for different processes so let us see the different processes over here. As we know, W is equal to minus P del V. And now, work done in vacuum. Vacuum me kya hoga? That zero opposing pressure. Vacuum me koi pressure hota hi nahi hai. Opposing pressure hi So that is why P external will be equal to zero. So it will give the value of work done as zero. नाउ नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स जहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है सो प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा सो चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी सो वी वन विल इक्वल टू वी टू एंड डेल वी विल इक्वल टू जीरो बिकॉज वी टू माइनस वी वन डेल्टा वी की वैल्यू होती है वी टू माइनस वी वन जब दोनों सेम होगी तो हमारे पास ये सब विल बी इक्वल टू जीरो सो दैट इज वाई डब्ल्यू इन दैट केस विल बी इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इज फॉर्म्यूला W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी सो W अगर हम प्रेशर को ए में ले रहे हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर यूनिट की बात कर लेते हैं प्रेशर को अगर हम ए में ले रहे हैं वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हैं सो इन दैट केस द यूनिट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू लीटर एटीएम एंड इफ वी आर टेकिंग प्रेशर इनटू न्यूटन Per meter square and volume in meter cube and in that case the unit of work done will be equal to joules. So next is if we are taking the pressure into Pascal and volume into meter cube and in that case the value or uh, we can say the unit of work done will be equal to joules. So वन लीटर ए टी एम इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट टू टू कैलोरीज एंड दैट इन टर्न इज इक्वल टू वन हंड्रेड वन पॉइंट थ्री जूल्स एंड ऑल्सो जो जूल होता है वन जूल इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस टेन टू द पावर दैवन अर्ग्स एंड अगर हम इनको कोरिलेट करेंगे देन वी विल गेट वन जूल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू थ्री एट नाइन कैलोरीज Now, let us see the expression for isothermal reversible work done. Isothermal is reversible hai reaction, and isothermal that is taking place at constant temperature. To find this uh, expression, let us consider n moles of an ideal gas in a cylinder which is fitted with weightless and frictionless piston. So, here is the cylinder.

That means the gas is expanding. Next is so the displacement or volume jo change ayaga hamara dv, and further the gas is expanding more to hamare so further uh, volume change aaya, that is also dv. That is very small, so we can write it as delta V. So the final volume and final pressure will be equal to V2. एंड पी माइनस डी पी रिस्पेक्टिवली वाई डी पी बिकॉज जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो बहुत ही माइन्यूट है बहुत ही छोटा है सो पी माइनस डी पी इज द फाइनल प्रेशर नेक्स्ट इज एज वी नो जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड अगर स्मॉल वर्क डन है सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी बट जो P एक्सटर्नल है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मीन्स फाइनल प्रेशर उसकी वैल्यू है यहाँ पे P माइनस डी पी सो हेर एम पुटिंग द वैल्यू दैट इज गिविंग दिस इक्वेशन दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ P माइनस डी पी इन टू डीवी नाव हेर एम मल्टीप्लाइंग डीवी विथ बोथ पी एंड डीपी तो मुझे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी यहाँ पे है माइनस ऑफ माइनस सो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड डीपी इंटू डी वी नाउ ये जो डीपी और डी वी है इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है सो इनका मल्टीप्लीशन विल गिव द इवन मोर स्मॉलर वैल्यू सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस प्रोडक्ट सो वी विल हैव dw is equal to minus p dv. So, this is the work done at small steps. Now, the total work done in the entire expansion from volume v1 to v2 will be a total volume, uh, total work done kili, we will integrate both the sides within the limits v1 and v2. So, w maximum will be equal to minus

Of NRT by v, DV. जो एन आर टी है वो यहां पर कॉन्स्टेंट है तो यहां पर उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख सकते हैं नाउ हेयर द क्वेश्चन अराइजेस दट एन आर तो हमें पता है कि कॉन्स्टेंट है बट टी कॉन्स्टेंट कैसे नाउ आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं बिकॉज आइसोथर्मल वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन सो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है कॉन्स्टेंट है बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल सो जब इसको सॉल्व करेंगे एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एलेन ऑफ एक्स सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे वी विल गेट द इक्वेशन डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस एनआरटी Ln of V and here are the limits V one to V two, and further solving this equation, we will have W max is equal to minus nRT of Ln V two minus Ln V one. So next is W max. We are the, uh, we are having this final equation. Or if we further solve it, we know that Ln X one minus Ln X two is equal to एल एन ऑफ एक्स वन बाय एक्स टू तो यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है जैसे यहाँ पे आ गया एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन सो वी कैन राइट इट एज एल एन वी टू बाय वी वन सो जब इसको नेचुरल लॉग को जब हम लॉग टेन में कन्वर्ट करेंगे सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2.303 और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग वी टू माइनस वी टू बाय वी वन सो बट अकॉर्डिंग टू बॉय बॉय स्लो बॉय स्लो क्या बोलता है देट पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे देन वी विल हैव वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू पी वन बाय पी टू सो अगर हम W मैक्स वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे देन वी विल हैव दिस इक्वेशन दैट इज W मैक्स इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआरटी लॉग ऑफ पी वन बाय पी टू नाउ लेट एस सी द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन सपोज वी कंसिडर अ पी ग्राफ सो हेयर इज द पी ग्राफ एंड वी आर कंसिडरिंग दिस ग्राफ फॉर आइसोथर्मल इ रिवर्सिबल रिएक्शन सो दिस इज एनी पॉइंट ए जिसका जो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है पी वन एंड वी वन ओके सो दिस इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम नाउ दिस इज एनी पॉइंट बी दट इज द फाइनल पॉइंट और यहां पर प्रेशर है पी टू और वॉल्यूम है वी टू ओके नेक्स्ट इज हेर एम ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एंड जो सिस्टम है वो जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और अगर सिस्टम में पॉइंट uh, ए से पॉइंट बी में जा रहा है सो सम वर्क इज डन सो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, सो यहां पे जो पी एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू पी फाइनल फाइनल प्रेशर है वो एंड वी कैन राइट इट एज पी टू सो द इक्वेशन बिकम्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी टू डेल्टा वी सो ग्राफिकली क्या बोलते हैं दट वर्क इज बिलो पी टू एंड बिटवीन वी वन एंड टू वी टू जो वर्क हो रहा है जो सिस्टम काम कर रहा है दैट इज डूइंग बिलो द प्रेशर पी टू एंड बिट्वीन द वॉल्यूम वी वन टू वी टू सो द डब्ल्यू सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व विच कर्व दिस एरिया under the curve so suppose we consider the same process the same process consider earlier and suppose the process takes place in four steps up four steps kya look so this is point one point two point three point four and point five now what are those four steps this is the first step this is the second step from two to three and this is the third step. We are going from three to four. And this is the fourth step. We are going from four to five. So these are the four steps. Now, this is the area under the curve one and two. This is the second area under the curve. And this is the third area and so on. So this will be the work done. As the shaded portion is increasing, work done is relatively more. जैसे जैसे शेडेड पोर्शन इंक्रीज करेगा वर्क डन इज गेटिंग मोर एंड मोर सो सपोज वी कंसिडर द सेम प्रोसेस और यहाँ पे हमने एक और प्रोसेस कंसिडर किया वी आर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ बिटवीन पी एंड वी और यहां पे भी ए और पॉइंट बी तक हम जा रहे हैं सो दिस प्रोसेस इज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलते हैं द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स सो दिस इज आर द स्मॉल स्टेप्स इन विच दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस सो एज द स्टेप्स आर इंक्रीजिंग एज द शेडेड पोर्शन इज इंक्रीजिंग वर्क इज इंक्रीजिंग सो दिस इज द शेडेड पोर्शन सो शेडेड पोर्शन इज मोर work done is maximum next is first law of thermodynamics what is the first law of thermodynamics let us see energy can neither be created nor be destroyed only it can be converted from one form to another energy create ni energy ko destroy ni but it can be converted from one form to एन अदर और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन द यूनिवर्स दैट रिमेन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हाउ बिकॉज एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही बस एक फॉर्म से आ, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो जो पूरी टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट Next is whenever a given quantity of energy of one kind disappears, then equivalent amount of energy appears in some other kind, for example, jekahhi energy energy disappear ho the equivalent amount of energy will appear in some other kind. कहीं पे डिसअपियर हो रही है कहीं पे अपीयर हो रही है सो दट इज वाई द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो कंसिडर दिस वेइंग मशीन वेयर ऑन वन साइड आई एम पुटिंग एनर्जी बिफोर जो पहले एनर्जी थी एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ये है हमारे पास एनर्जी आफ्टर तो यहाँ पे एक साइड एनर्जी डिसअपियर हो रही है एक साइड एनर्जी अपियर हो रही है सो ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ परपेचुअल मोशन मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां पे आती है हमारी एफिशियंसी की बात इतना कोई भी मशीन एफिशिएंट नहीं होती है कि अगर वो कन्वर्जन कर रही है तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम ना करे 100 परसेंट एफिशियंसी दे कि जितनी एनर्जी हमने दी उतनी ही उसने ट्रांसफॉर्म करके किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर दी सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फोर्थ पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट यस आइसोलेटेड सिस्टम में जो एनर्जी होती है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट Next is mathematical expression of first law of thermodynamics. So, consider an ideal gas in a cylinder which is fitted with a weightless and frictionless piston. So, here is the cylinder which is gas filled and this piston is weightless and frictionless. And let U1 and V1 be the initial internal energy and volume of the system. So, internal energy can change. How, by heating the substance, by doing work on the system like this gass compress curry, okay, so let u two and v two be the final internal energy and volume of the system, so change in internal energy will be equal to q plus w so this is the uh, equation for the first law of thermodynamics and agar internal energy change small hai then we can write this expression as du is equal to dq plus dw so here is the uh, expression for first law of thermodynamics that is delta u is equal to q plus w now let us see the sign conventions delta q एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी एंड एनर्जी इज एब्सॉर्ब वी कैन से जो फाइनल एनर्जी है वो अगर ग्रेटर है देन द इनिशियल एनर्जी देन डेल्टा यू विल भी पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन अगर यू टू ग्रेटर होगा दैट मीन्स एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम तो उस केस में जो डेल यू की वैल्यू होगी डेल्टा यू की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव नेक्स्ट इज नेगेटिव नेगेटिव कब होगी जब यू टू फाइनल एनर्जी विल बी लेसर देन द इनिशियल एनर्जी और उस केस में एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम बट नॉट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम सो क्यू इज इक्वल टू क्यू में बी पॉजिटिव क्यू कब पॉजिटिव होगा दैट इज एनर्जी सॉरी हीट कब पॉजिटिव होगी जब एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड इट विल बी नेगेटिव इन द केस वेयर एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम एंड डब्ल्यू वट अबाउट डब्ल्यू डब्ल्यू विल बी जब कंप्रेशन होगा जब गैस कंप्रेस करेगी देन उस केस में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बिकॉज गैस कंप्रेस कर रही है work is done by the surroundings on the system then in that case it will be positive a expansion ho hai, then work is done by the system con system kar hai on the surrounding as the gas is expanding so in that case w will be negative now what are the limitations of the first law of thermodynamics

next is it does not tell the spontaneity of the process yes it does not tell the spontaneity of the process and it is also one of the drawback of first law of thermodynamics that's all for this topic thank you